हेलो, आज का क्वेश्चन आया विटामिन डी कैसे यूज करें। इसी के साथ हम कवर करेंगे विटामिन डी के बेनिफिट और उसकी कमी की वजह से क्या आपके बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बात करते हैं इसको कैसे यूज करते हैं, उसकी कितनी डोजेस हो सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन डी का काम क्या होता है। विटामिन डी आपके बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर बैलेंस करता है कैल्शियम और फॉस्फेट को। इसके अलावा विटामिन डी आपके मसल, आपकी हड्डियों, आपके दांत, आपके नर्वस सिस्टम, किडनी, हार्ट, लीवर, इम्यून सिस्टम बिल्ड करता है। सब इसके उसको प्रॉपर काम करने के लिए विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब विटामिन डी की कमी होती है, ये सब चीज़ें आपकी प्रॉपर फंक्शनिंग करती हैं, आपको हार्ट का डिजीज़ होने का चांस होता है, डायबिटीज होने का ज़्यादा चांस होता है आपको, आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा आपका हड्डियों में दर्द हैं, लॉन्ग टाइम दर्द रहती है, अगर चोट लगे तो उसको रिकवर होने के लिए बहुत टाइम लगता है। बच्चों की ग्रोथ के लिए आपको विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी कमी की वजह से बच्चों की ग्रोथ नहीं होती, हड्डियों की डिफरेंट बीमारियाँ हो सकती हैं, आर्थराइटिस या ऑस्टियोपैथी आपको दर्द हो सकती हैं बोन्स की। इसके अलावा विटामिन डी की कमी की वजह से आपका वेट बढ़ सकता है। विटामिन डी की कमी की वजह से फीमेल के अंदर फाइब्रॉइड ज़्यादा होता है, सिस्टाइस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा आप में पावर नहीं रहती, डिप्रेशन होता है, मूड आपका चेंज होता है। विटामिन डी की कमी की वजह से मेल के अंदर उनके टेस्टोस्टेरोन के लेवल में कमी होती है, स्पर्म्स का काउंट कम होता है। फीमेल के लिए उनकी ओवुलेशन की में कमी हो जाती है, उनके एग का साइज कम हो सकता है। ये सब इसके सिंपल साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जब आप इसको प्रॉपर लेते हैं विटामिन डी को, ये सब आपको ये चीज़ें पॉजिटिव में आ जाती हैं। और इसको मोस्टली आप यूज़ करते हैं मॉर्निंग और लंच में, आफ्टर ब्रेकफास्ट या आफ्टर लंच आप इसको ले सकते हैं खाने के साथ। ये इंपॉर्टेंट टाइम होता है क्योंकि फैटी है, और अगर आप इवनिंग को लेंगे तो आपकी बॉडी को इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी क्योंकि फैटी है, और बेटर आप मॉर्निंग और लंच के टाइम इसको ले सकते हैं। और ये आपको फूड, आपको मछली, सलमान, बीफ, लीवर से मिल जाएगा, अंडे की वो येलो जो होता है उससे मिल जाएगा, कॉड लीवर ऑयल से मिल जाएगा, और डेयरी चीज़ों से आपको ले सकते हैं विटामिन डी। और इसके अलावा सोया मिल्क, गाय के दूध के अंदर, आलमंड, बादाम के दूध के अंदर आपको मिल जाएगा विटामिन डी। क्यों विटामिन डी के बेनिफिट ही बेनिफिट हैं। और जब विटामिन डी की कमी होगी, इसके साथ आपको विटामिन बी 12 की भी कमी होगी। और आपने देखो सम टाइम आपकी जो हड्डियाँ होती हैं काफ़ी वीक हो जाती हैं, वेदर चेंज की वजह से आपके हड्डियों में दर्द होना, ये होना, ये भी विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। तो इस सिंपली विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बॉडी के अंदर। आप किसी भी मेडिकल स्टोर से जाके आप इसको बाय कर सकते हैं, अगर फूड से आपको डिफिकल्ट इंसान लेना डिफिकल्ट है। और एवरी डे आपको टिल 12 मंथ के बच्चे को 400